पुर में सीपीआई ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीपीआई के नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के द्वारा विदेशियों से व्यापार समझौता किया गया है। 15 देशों के साथ हुए इस व्यापार समझौते में टैक्स भी केंद्र सरकार ने घटा दिया। सबसे ज्यादा आयात कृषि आधारित उत्पादों का होगा, जिसका सीधा नुकसान भारत के किसानों को होगा। भारतीय किसानों के दूध उत्पाद की बिक्री खत्म होगी। सस्ते में विदेशी सामान भारत में बिकेंगे, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था और बेरोजगारों पर पड़ेगा। 5 देश हैं, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और आपका दक्षिण कोरिया, इनसे एक समझौता कर रही है, आरसीईपी समझौता। उस समझौता से किसानों का जो डेयरी उत्पाद जो आज करता है, जिसमें करोड़ों किसान लोग अपना जिंदगी चला रहे हैं, वो पूरा आयात बाहर से करेंगे, तो करोड़ों किसान लोग का नुकसान होगा।